वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रेंड्स। ये देखो आज निश्चल की फरमाइश पे ना गाजर का हलवा बना रही है सालू और ये देखो अभी ढकी हुई है, बहुत देर से बना रही है और निश्चल बहुत एक्साइटेड है आज गाजर का हलवा खाने के लिए। ये बोला था मम्मी गाजर का हलवा दे दो मेरे को बना के, तो ये गर्मा गर्म दोस्तों गाजर का हलवा अभी घी में भून। तो दोस्तों मैं तो खाऊंगा नहीं क्योंकि मैं डाइट पे चल रहा हूँ और मैंने अपना 8 किलो वजन मैंने लूज कर दिया। पापा आप मोटे हो। ये अभी भी बोला पापा अभी आप मोटे हो क्योंकि जब क्योंकि क्योंकि जो मेरा वेट था ना पहले मेरा वेट था 73 kg और मेरा बीच में लॉकडाउन में मेरा वेट हो गया था 95 kg, तो अभी मैंने 87 kg कर दिया है। तो निश्चल की डिमांड पे 13-14 किलो और कम करना है ताकि मैं इसको पुराना वाला पापा नजर आ जाऊं। है भाई निश्चल पापा अपने मोटे लग रहे हो, फिर गोल गप्पे लग रहे हो। ये देखो ये मेरे को चिढ़ा रहा है, पापा मोटे लग रहे हो, गोल गप्पे लग रहे हो। ये देखो दोस्तों निश्चल कितना खेल रहा है, कितना एक्साइटेड हो रहा है क्योंकि आज इसका फेवरेट डिश गाजर का हलवा जो बन रहा है पूरे घर में दोस्तों ये ऐसी उधम मचाता रहता है। ये देखिए क्या घर का हाल कर चुका है, ये ऐसे ही खेलता रहेगा जब तक इसका गाजर का हलवा नहीं मिलेगा। और बोल रहा है गाजर का हलवा खा के मेरे को पढ़ाई करनी है, पहले गाजर का हलवा दो बना के फिर मैं पढ़ाई करूंगा। निश्चल क्या कर रहे हो तुम? बोला गोल घूमने की निंजा टेक्निक। अब दोस्तों इसके अंदर गाजर के हलवा में दूध डल गया है और निश्चल को बेसब्री से इंतजार है कि भाई जल्दी से तैयार हो जाए गाजर का हलवा कसम से। ये बोल रहा मैंने खेलना छोड़ दिया, जल्दी से दे दो मेरे को, कच्चा ही दे दो लेकिन दे दो जल्दी से गाजर का हलवा खाने के लिए। ये देखिए ये देखिए फुल मस्ती के मूड में है दोस्तों। आप खुद खा लो कच्चा, खा लो पापा, पापा आप भी बोलो क्या मम्मी ने मुझे। अब ठंड चली गई है, अब गर्मी आ गई दोस्तों। देखो ठंड जा चुकी है और गर्मी आ चुकी है, बसंत ऋतु का टाइम चल रहा है। मैं बाहर में दिखाता हूँ कितनी गर्मी हो रही है। तो दोस्तों ये देखिए काफी गर्मी हो रही है और धूप निकला हुआ है, अभी 4 बजे का टाइम हो रहा है लेकिन गैलरी में काफी गर्मी सी आ रही है। अभी 6-7 दिन पहले ऐसा मौसम नहीं था लेकिन ऑटोमेटिकली ये मौसम आया है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है। लग रहा है इस बार होली में दोस्तों बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है और निश्चल एंजॉय ले रहा है, गैलरी में खड़ा होके बच्चों को देख रहा है, पार्क में जो बच्चे खेल रहे हैं। और ये देखो इसको कपड़े से बहुत प्यार है, कपड़ों को सुखाता है, उतारता है, फोल्ड करके रखता है। ये देखिए दोस्तों एक तरफ गाजर का हलवा चढ़ा हुआ है, एक तरफ किचन की सफाई चल रही है, इसका तो कभी काम ही खत्म नहीं होता है। देखो दोस्तों मैं ड्यूटी भी करूँ और काम में भी हेल्प कर रहा हूँ। देखो कल मेरी छुट्टी रहेगी तो मैं कुछ हेल्प कर दूंगा लेकिन यार अभी ऑफिस जाना है 5 बजे। बुधवार को सरासर झूठ, सरासर झूठ। बोलिए बर्गर खुद ये फ्रेंच फ्राइज है। अब दोस्तों टाइम तो मेरा होने जा रहा है जिम जाने के लिए, शाम का टाइम होने वाला है 5 बजे का और मैंने इसको बोला था भाई चाय बना के देती है, चाय बना के नहीं देती है। कल एक हमारे जो स्वीट्स फैमिली शो के मेंबर ने लिखा था कि भैया आपको चाय लगती है बहुत अच्छी लगती है और आप हमेशा वीडियो में बोलते हो कि चाय चाहिए चाय चाहिए। ये देखो मेरे को चाय तो अच्छी लगती है लेकिन मैं ग्रीन टी बहुत पीता हूँ, ग्रीन टी पीता हूँ, मिल्क टी कभी कभार पीता हूँ। ये मुश्किल से साल में मुश्किल से ही एक या दो बार चाय पीते होंगे, लेकिन ग्रीन टी ये बनाती नहीं है, बोलती मिल्क टी बना दो। मैंने भाई मिल्क टी नहीं बनाना, ग्रीन टी तू दे बना के। हमारे घर में एक मैं ही पीती चाय, बस ये पीते ही नहीं है। इसका बस चले ना कटोरा भर भर के चाय पी जाए, लोटा भर भर के चाय पी जाए। ये गलत बात है, मैं सिर्फ 2 बार पीती, एक बार सुबह में पीती, एक बार शाम में पीती। निश्चल निश्चल को देखो खेलते खेलते गर्मी लग गई, पसीने से आ गए हैं हमें निश्चल। बाल खड़े होने से कितनी गर्मी, चंडाल गर्मी है। सर्दियों में मैं इतना बोलती थी धूप आए धूप आए, हमें बालकनी में धूप नहीं आती थी, अब गर्मी आ गई नहीं बिल्कुल, वो बोलते ना भून देती है गर्मी में, इतनी चने की तरह आते हैं बिल्कुल बालकनी, अभी धूप की कोई जरूरत नहीं है फिर भी आ रही है। अब दोस्तों जो ये मैंने जो नया लुक लिया है ये थोड़ा सा मैंने कट लगवाया है, ये तो ये कैसा लग रहा है दोस्तों? अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सालू के डिमांड पे मैंने किया था। और ये जो मेरी आईब्रो जो बनाई है ना, ये वाला ये सालू ने किया है, मैं किसी पार्लर में जाके नहीं किया। ये देखो निश्चल बोल रहा पापा अच्छा लग रहा है, इनका
का फैशन। ये सालू ने बनाया, अपने हाथों से बनाया ये आईब्रो, कसम से मजा आ गया दोस्तों। तो यही है कि पार्लर का मजा घर में आ जाता है, घर में ही वाइफ बिल्कुल कर देती जो मैं बोलता वो स्टाइल, कसम से दोस्तों। पता क्या, मैं इनको कभी किसी फैशन के लिए नहीं बोलती कि आप ये मत करो वो मत करो, ये जो भी बोलते हैं यार मेरे को ऐसे बाल कटाने, ऐसा कलर करना है या आईब्रो बनाना है, कट करना। तो मेरे पास आईब्रो ट्रिमर था, तो मैंने बोला चलो ठीक है अगर आपको इतना ही मन है करने का तो मैं कर देती। तो मैंने इनका थ्रेडिंग करके मैंने इनको खुद कट किया था आईब्रो में, तो इन्हें काफी अच्छा भी लगा है। तो बोल रहे थे कि मेरे जिम में भी काफी लोग बोल रहे थे कि रॉबिन भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हो, लुक बहुत, कसम से दोस्तों बहुत ज्यादा फीडबैक मिल रहा है कसम से, ये वाली स्टाइल से आईब्रो की स्टाइल और जो आईब्रो में जो कट है कसम से दोस्तों। एक मेरा, मैं दोनों कानों में कुंडल पहनता था लेकिन एक कान का कुंडल थोड़ा टूट गया, तो कल मैं जाऊंगा मार्केट तो खरीद के लेके आऊंगा, अभी एक का ही पहना हूँ। ये मैंने कान जो छिदवाए थे ना ये कॉलेज टाइम में ही छिदवा लिए थे कसम से। पता क्या, मेरे पापा को भी कान में कुंडल पहनने का बहुत शौक था, तो उनका भी एक जो लेफ्ट वाला था उन्होंने कान में बाली पहनी थी गोल्ड की, तो वो हमेशा पहन के रखते थे। और मेरा जो भाई है, मेरा बड़ा भाई, उसने भी दोनों कान छिदाए हुए, और मैंने मैं जब मतलब हम दोनों एक दूसरे से मिले थे उससे पहले उन्होंने भी, इनके भी कान छिदे हुए थे, ये भी पहले से ही बाली पहनते। मुझे इतनी हंसी लगती है कि मेरे पापा भाई हस्बैंड सब कान में बाली पहनते, सब बाली पहनते कसम से, सलमान भाई स्टाइल। दोस्तों इन लोगों का तो गाजर का हलवा बनने में टाइम है, क्योंकि मैं तो खाने वाला नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ फटाफट तैयार होने के लिए, क्योंकि मेरे ऑफिस जाने की टाइमिंग हो चुकी है जिम में जाने की। और यार बहुत सारे लड़के लिखते हैं कि भाई आप कितने बजे जिम जाते हो, थोड़ा जिम दिखा दो, तो आज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को जिम कसम से। तो दोस्तों अब मेरा जिम का टाइमिंग हो गया और मेरा बैग पैक हो चुका है, और निश्चल बाबू यहाँ पे है और सालू यहाँ पे है, तो मैं अब जा रहा हूँ जिम के अंदर, जो मेरी 5 से 9 शेड्यूल है सेकेंड शिफ्ट की। तो चलिए चलते हैं जिम। ये देखो पापा बाई कह रहा है, ये हमेशा चॉकलेट लाने की फिराक में था कि ताकि पापा को अच्छी तरह से बाई कहूंगा तो चॉकलेट मिलेंगे रात में, और कल मेरी छुट्टी है। तो चलिए पहुंचते हैं जिम के अंदर। वो दोस्तों जो मेरी जिम है जहाँ पे मेरी जॉब है, वो मेरी पैदल रास्ता है यहाँ से बस 10 मिनट का, तो मैं पैदल ही चलता हूँ क्योंकि पैदल चलना बहुत ही अच्छी बात है, अब जितना पैदल चल सको उतना हेल्थ के लिए और हार्ट के लिए अच्छा रहता है। तो अभी जस्ट मैं 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा जी। दोस्तों देखिए हमारी सोसाइटी में एक मंदिर है, सोसाइटी के मेन गेट पे ये मंदिर है, इसमें सारे भगवानों की मूर्ति लग रही है, तो ये हम यहीं पे पूजा करने आते हैं दोस्तों। तो देखिए कितना धूप है, सीधा चेहरे पे लग रहा है धूप, बहुत ज़्यादा धूप पड़ने लगी है। फरवरी का आखिरी चल रहा है और होली आने में अभी 1 महीने का टाइम है, तो इस बार लग रही है तगड़ी गर्मी आने वाली है कसम से दोस्तों देखिए ये देखिए, पूरा का पूरा यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती होती है, जहाँ मैं जब जिम जाता हूँ तो ये रास्ते में पड़ता है, तो यहाँ पे जो वेजिटेबल है घर के लिए मैं यहीं से लेके आता हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, बेहतरीन नज़ारा कसम से। तो दोस्तों ये देखिए मैं जिम में पहुँच चुका, तो ये रही जिम। तो अभी टाइमिंग हो रहा है आपका 5:20, मैं ऑफिस में चला गया था क्योंकि कुछ जिम का सामान आया था, तो ये मैं पहुँच चुका हूँ। तो अभी जो भीड़ होती है वो 6:30 के बाद होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रस आ जाता है, तो यही चीज़ है। तो जो आप लोग बोल रहे थे जिम की टूर के लिए, तो ये चीज़ देख लीजिए। तो ये रहा मेरा पूजा घर जिसे मैं पूजा करता हूँ, तो यही है दोस्तों। तो ये है, तो अभी दिव्यांश भी आएगा वर्कआउट करने के लिए, तो मैं उससे भी मिलवाऊँगा आप लोगों को। तो यही चीज़ है दोस्तों, ये हमारा जिम, और मैं अपना टेबल दिखा देता हूँ जहाँ मैं बैठता हूँ, जो जो चीज़ है ये दोस्तों कसम से मज़ा आ गया। तो ये नहीं, म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये मेरी टेबल है और ये मेरा बैग, और यहाँ पे एंट्री सब होती है। तो ये है दोस्तों ये छोटा सा जिम। फ्रेंड्स ये देखिए दिव्यांश आ चुका है वर्कआउट के लिए, और ये देखो बहुत ज़्यादा वेट लूज कर दिया भाई, अब एब्स बनने वाला है इसके होली तक कसम से। और सच्ची में बेंच प्रेस भी बहुत तगड़ा मार रहा भाई, 97 kg मार रहा है। दिखाऊंगा मैं अगले ब्लॉग के अंदर, दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, जल्दी दिखाऊंगा इसकी पावर लिफ्टिंग की सीक्रेट। ये सबसे बेस्ट स्टूडेंट है ये मेरा इस जिम के अंदर। तो जस्ट अभी थोड़ा लेट आया, लेकिन आया अभी, इसके आज बाइसेप्स ट्राइसेप्स की ट्रेनिंग है, तो इसको ट्रेनिंग करनी है ठीक है, लेकिन इसको जल्दी जाना है, कुछ घर पे काम है, तो जल्दी निकल जाएगा, तो थोड़ा सा करेगा बस वर्कआउट ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा ब्लॉग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट कर देना बिल्कुल भाई। और अब इस चैनल पे एक दिन ब्लॉग मिलेगा और एक दिन आपको अच्छे वाले जहरीले प्रैंक मिलेंगे ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स।